हाय एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज का टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड सो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स बेसिकली क्या होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि किस कितने ट्रॉफिक लेवल पर जो है ऑर्गैनिज़म्स किस तरीके से अरेंज किए गए हैं जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड कुछ इस तरीके से दिखता है सो so, ये जो हमारा ये होता है ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है देन नेक्स्ट पे चले जाएं तो वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल सो इस तरीके से जो होते हैं हमारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं जिसमें क्या क्या आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आते हैं बेसिकली सो प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इसमें क्या किए जाते हैं एक उनकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है सो क्या सब प्रोड्यूसर्स में हमारे यूजुअली क्या जाते हैं जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स जिसमें क्या आते हैं हमारे प्लांट्स आते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स देन आ जाते हैं हमारे क्या आते हैं कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे क्या होते हैं हर्बी होते हैं हर्बी बोर्ड मीन्स वो जो किस पे फीड कर रहे हैं दे आर फीडिंग ऑन द प्लांट्स जो प्लांट्स पर फीड कर रहे हैं या हमारे जितने भी ऑटोट्रॉफिक जो भी हैं उन पर जो है वो फ़ीड कर रहे हैं देन प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूम

किए थे किसने दिए थे सो इट वॉज गिवन बाय जी एविलेन हर्चनसन एंड रेमंड लेंडमैन इन्होंने जो थे इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो थे वो दिए थे अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और हम इन इनको क्यों स्टडी करते हैं सो so सबसे पहला है कि ये हमें बहुत अच्छे तरीके से क्या दिखा देता है फीडिंग दिखा देता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट इको में ऑर्गेनिजम्स कैसे फीड कर रहे हैं किसके ऊपर फीड कर रहे हैं जैसे अगर ये ग्रास लैंड एको ले लें तो यहाँ पर प्लांट्स क्या हैं प्रोड्यूसर हैं देन ये जितने भी एनिमल्स हैं हर्बीवोर्स वो इन पर फीड कर रहे हैं देन हमारे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो इन पर फीड कर रहे हैं और टर्सरी कंज्यूमर्स जो हैं वो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर या प्राइमरी कंज्यूमर्स पर फीड कर रहे हैं सेकेंड थिंक क्या है कि कैसे कैसे एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है कितनी एफिशिएंटली एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है सो so, इसमें एक एनर्जी लॉ आता है दैट इज़ कल्सो नोन टेन परसेंट लॉ वो हम आगे स्टडी करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रही है क्या उसकी एफिशिएंसी वो हमें पता लगता है एंड थर्ड कि कंडीशन कि द कंडीशन ऑफ इकोसिस्टम कैन बी मॉनिटर्ड इकोसिस्टम की कंडीशन को मॉनिटर किया जा सकता है और अगर कोई भी डैमेज हो फर्दर डैमेज हो तो उसे प्रिवेंट किया जा सकता है मींस कोई हमारा ऐसा तो नहीं ऐसा कोई ट्रॉफिक लेवल तो नहीं है जो आउट नंबर कर रहा है या फिर अच्छे से फीड कर रहे हैं नहीं है कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है तो वो हम बहुत ईजिली मोनीटर कर सकते हैं सो so, जो हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं वन इज़ पिरामिड ऑफ एनर्जी पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर्स ये तीन तरीके के हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं फर्स्ट आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी अब पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या है ये क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है लेकिन इसमें ये कौन सा पिरामिड है इसमें बताता है कि एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है फूड चेन में और जो पिरामिड ऑफ़ एनर्जी है वो हमेशा क्या होते हैं अपराइट ही होते हैं वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होते सो so, ये जो पिरामिड की शेप है ये हमेशा इस तरीके से ही होगी कभी भी इस तरीके से नहीं होगी बाकी जो हमारे पिरामिड ऑफ नंबर है पिरामिड ऑफ़ बायोमास है वो इन्वर्टेड हो भी सकते हैं लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा हमेशा क्या रहेगा अपराइट रहेगा क्योंकि फ्यूड चेन हमेशा यूनी होती है प्लस यहाँ पर क्या होता है एनर्जी फ्लो होता है और एनर्जी फ्लो यहाँ पर आता है हमारा टेन लॉ और वो टेन लॉ क्या बोलता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ परसेंट एनर्जी ही पास ऑन करती है लेट से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी कितनी है हंड्रेड परसेंट तो हंड्रेड का सिर्फ टेन परसेंट प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जाएगा अब टेन परसेंट का भी टेन परसेंट मीनस वन परसेंट सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास जाएगा अब वन परसेंट का और टेन परसेंट मीन्स पॉइंट वन परसेंट जो है वो थर्ड लेवल कंज्यूमर्स के पास जाएगा देन उसके बाद हमारा जो है जीरो पॉइंट वन परसेंट का टेन परसेंट मीन्स जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट जो है वो प्रेडेटर्स uh, या हमारे जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके पास जो है वो आगे जाएगा सो so, मतलब

वो उसके ऊपर आ गए देन हंड्रेड पॉर्चेस हैं देन उसके बाद टेन हमारे नदन पाइक हैं एंड हमारे देन हमारे क्या है टेन क्या है स्प्रे हैं सो इस तरीके से जो है कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं हर ट्रॉफिक लेवल पे वो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो बताता है ये जो है यूजुअली अपराइट होता है क्योंकि यूजुअली नीचे क्या आते हैं प्रोड्यूसर्स वो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स ज़्यादा होते हैं देन प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमारे जितने भी हरबी वो एनिमल्स हैं वो आएंगे वो उससे थोड़े कम होंगे देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जो आएंगे वो उससे थोड़े कर, कम होंगे और टर्शरी कंज्यूमर्स का नंबर जो होता है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा लेस होता है तो ग्रास लैंड में जो है वो यूजअली जो है वो पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो क्या होता है अपराइट रहता है लेकिन कई बार पिरामिड ऑफ जो नंबर है वो क्या हो जाता है कई बार इन्वर्टेड होता है जैसे डेटरेटर्स फूड चेन हो गई या आप एक इको ले लो जैसे एक सिंगल अगर आप एक ट्री का इकोसिस्टम ले, ले लो तो एक ट्री में क्या है ट्री में बर्ड्स प्रेजेंट है ट्री में पैरासाइट्स प्रेजेंट है ट्री में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ठीक है तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम जो होता है यहाँ पे जो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर है वो इन्वर्टेड हो जाता है क्योंकि प्रोड्यूसर क्या है एक सिंगल पेड़ है ट्री है तो वो तो कम है उसके बाद हर बोर्ड्स क्या आ जाएंगे उस पर बर्ड्स आ जाएंगे वो पेड़ से ऑब्वियसली पेड़ एक है तो बर्ड्स थोड़े से ज़्यादा होंगे लेकिन पैरासाइट्स जो हैं वो बर्ड्स से ज़्यादा होंगे और हाइपर पैरासाइट्स जो हैं वो उससे ज़्यादा हैं ठीक है सो यहाँ पे जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो क्या हो जाता है इन्वर्टेड आ जाता है सो so नेक्स्ट हमारा लास्ट पिरामिड है दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास अब पिरामिड ऑफ बायो बायोमास क्या है कि कितना हर ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है बायोमास का डेफिनेशन क्या होता है कि मींस कितना मास जो है वो प्रेजेंट है किसी इकोसिस्टम में मींस किसी ऑर्गेनिज्म का कितना मास प्रेजेंट है किसी इकोसिस्टम में या किसी एरिया में उसे हम बोल देते हैं बायोमास ठीक है सो तो कितना बायोमास हर एक ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट है उसे हम बोल देते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ठीक है वो यूजुअली क्या होता है अपराइट होता है अगर आप देखो तो ठीक है यूजुअली ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट होता है लेकिन जो, जो भी हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें हमेशा क्या होता है इन्वर्टेड होता है सो so, ये हमेशा बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पेमिड कौन सा जो पिरामिड है वो इन्वर्टिड होता है सो पिरामिड ऑफ बायोमास में जो एक्वेटिक इको है उसका पिरामिड जो होता है वो इन्वर्टेड रहता है क्यों रहता है क्योंकि यहाँ पे क्या है जो जू प्लैंकटन की जो हमारी पॉपुलेशन है वो फाइटो प्लैंगटन को क्या कर देती है आउट नंबर कर देती है मीन्स फाइटो प्लान कम होते हैं ठीक है उनका मास कम होता है लेकिन जू प्लानस का क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है इसीलिए जो है हमारा जो इकोसिस इको इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास है वो क्या होता है इन्वर्टेड होता है और जो हमारा पिरामिड और ग्रास लैंड पिरामिड होता है वो यूजली हमारा क्या होता है वो हमारा एकदम अपराइट होता है जैसे प्रोड्यूसर्स का बायोमास ज़्यादा होता है देन प्राइमरी

एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड है वो क्या होता है इन्वर्टेड होता है सो so, ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए स्टे सेफ टेक केयर एंड बाय बाय